नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशा गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का लगा आरोप। आपको बताते चले कि योगी सरकार में आयुष्मान कार्ड को नहीं मान रहे बरेली के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल। मामला है पीलीभीत बाईपास रोड स्थित साईं सुखदा हॉस्पिटल में मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। बाद में अस्पताल प्रशासन ने मामले को रफा दफा कर दिया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना भित्री चैनपुर के गांव नगियापुर निवासी 60 वर्षीय जानकी प्रसाद घरेलू कार्य छत पर टीन लगा रहे थे। तेज हवा से गिरने के दौरान घर में चोट लगने से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने साईं सुखदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती के दौरान हॉस्पिटल वाले ने ना तो आयुष्मान कार्ड को माना और जब परिजनों से ब्लड यूनिट लाने को कहा, उसके कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनको संतुष्ट नहीं कर सके, जिस पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देखकर प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर कार्रवाई की बात कर रहे थे। सूत्रों से पता चला कि अस्पताल वालों ने मरीज को कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया था, ना ही आयुष्मान कार्ड को माना, बल्कि उनसे पूरा पैसा वसूल किया। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही हमेशा रहती है। साहब जी, कल शाम को 7 बजे से कि पूरी पेमेंट करवा ली 36,000 रुपए 1 घंटे के लिए, और फिर भी सर आज तक अभी 11-12 बजे जा रहे हैं, आज तक अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली हमारे लिए। डेड बॉडी मांगते हैं, कहीं थानेदार आए, कहीं कहते हम देंगे ही नहीं डेड बॉडी। क्यों नहीं देंगे भाई? क्या पेमेंट हमने दी है तो क्यों नहीं देंगे? 36,000 रुपए हमने पेमेंट करी 1 घंटे में, पूरी पर्ची रखा हुआ, 8 बोतल खून सारे पेपर है हमने दिया। ये रात घटना हुई है लगभग 7 बजे करीब। हाँ, शाम को 7 बजे करीब ये घटना हुई है, और पूरी रात साहब 24 घंटे होने जा रहे हैं। ये कुछ तरीका है क्या हॉस्पिटल का? हेलो, सारे डॉक्यूमेंट है ये? सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अभी और मांग रहे हैं 55,000 रुपए और दो, 55,000 और दो, तब डेड बॉडी देंगे। क्या कुछ ये कौन सा तरीका है इनका 55,000 रुपए लेने का, डेड बॉडी मांग देने का? अरे सारा पेमेंट जब 36,000 रुपए 7 बजे कर दी तो डेड बॉडी मेरे को देना चाहिए मेरी। जब डेड बॉडी नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं 55,000 रुपए और दो मुझे, पूरी रात बॉडी रख के और पैसा मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम के है। पूरी रात इन्होंने बॉडी रोकी है, जिसका बिल अलग से चार्ज कर रहे हैं। बॉडी इन्होंने इसीलिए रोकी है कि पूरा बिल जो है रात का जो है अलग से भरा दिया जाएगा, और जो है गुमराह कर रहे हैं। रात से बिथी थाने जाओ, वहाँ के गांव का मैटर है, उसके बाद जो है भारत ही थाने जाओ, उधर यहाँ का जो थाना पड़ता है। हम लोग रात पूरी रात से परेशान है, यहाँ गाँव वाले ऐसा है। शाम को मुझे भेजा था रामपाल शर्मा, मेरे पापा हैं, ठीक है, मुझे भेजा गया था, बोले 12 तरी जाओ। 12 तरी गए इंदिर, फिर इंदिर की ये एक जगतपुर चौकी है, चौकी में गए, दरोगा जी ने कह दी हमने वो बारलिस कर दी है तुम्हारे बिथरी के लिए। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि बिथरी से कोई मतलब नहीं है। शाम ये कह रहे थे तुम्हारी डेड बॉडी बगैर पुलिस के नहीं मिलेगी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, बोले अभी पुलिस आ रही है। शाम जब हमें खून लेने भेजा, लौट के हम आए, हमने जो बोले एक्सपायर हो गए, तो हमने इनकी पूरी पेमेंट करा दी। पेमेंट कराने के बाद ये बोले डेड बॉडी तब मिलेगी जब पुलिस आएगी। अब पुलिस भी नहीं आ रही है, अब पैसे जो भी बना रहे हैं जो लोग खाली रोक के यहाँ पे हमें परेशान कर रहे हैं। नाम है आपका? अजपे बोले। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर हूँ साईं सुखदा हॉस्पिटल में। अब ये डॉक्टर साहब क्या मामला है, कल शाम से जो डेड बॉडी नहीं दी जा रही है, परिजनों का आरोप है कि यहाँ लापरवाही हुई है और डेड बॉडी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो कृपया बताने का कष्ट करेंगे क्या मामला है? पेशेंट जो भी आए थे उनका एमएलसी केस है, हमारी तरफ से पुलिस भरदेई थाने में पीआई जा चुकी है, उनका पोस्टमार्टम होगा, हमारी तरफ से कल शाम को ही सारी कार्रवाई होगी। जैसा कि अभी इंस्पेक्टर बारादरी साहब से बात हुई, उनका कहना है अभी कोई सूचना नहीं है, मैं दिखवाता हूँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो दिखाना चाहेंगे आप हमें जो आपको वहाँ से रिसीविंग मिली? सर मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरे पास रिसीविंग कॉपी रखी हुई है।
पीआई की कॉपी में या रिसीविंग कॉपी है। कितना टाइम लग जाता है ऐसे? ही मैंने भेज दिया। कितना टाइम लग जाता है इस तरह के केसों में कि अगर डेथ होने के बाद पुलिस की सूचना आपके यहाँ, कितना टाइम लग जाता है? हमारे तरफ से पेशेंट एक्सपायर होता है 10-15 मिनट में हमारी तरफ से पीआई चले जाता है। क्या कारण है कल शाम से अब तक, कल शाम से यहाँ से लेट हुआ है वो आप वहाँ पे बात किए उस बारे में? आप कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन की देरी है? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आपको नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ से मिलेगी हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, वो मिलेगी वहाँ से मिलेगी। आपकी तरफ से क्या जानकारी है कि कितने टाइम में पोस्टमार्टम के लिए जो आप लिखते हैं आ जाते हैं? किसी तरह की कोई कार्रवाई में देरी नहीं, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी तरफ से नहीं हुई है तो ये लापरवाही पुलिस प्रशासन की है ना? मुझे इस बारे में नहीं पता, उस बारे में आप बारादरी थाने में जाके थाने चार साहब से बात। अब क्या प्रक्रिया, कितनी देर में होने की संभावना है आपके साथ? जैसे ही चौक थाने से जो भी इंस्पेक्टर आते हैं, इनका जो भी पंचनामा या पोस्टमार्टम की जो भी कार्रवाई है वो कम्प्लीट होगी, आपको बॉडी हैंड ओवर। अब आपकी तरफ से क्या तेजी लाई जा रही है? हम लोग यहाँ आए हैं, अभी अपने साथ के स्टाफ को थाने में भेज देता हूँ, आपके साथ के 2-3 परिजन साथ में चले जाएगी, थाना संचार साहब से बात कर लीजिए। थाना संचार साहब से तो फोन पे बात हो गई आपके साथ में जाइएगा सर। आप देखिए टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहा है, आपके यहाँ से कितनी देर में 11 नहीं बज रहा है, आपकी घड़ी में सॉरी 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, सॉरी 10 बज रहा है। कितनी देर में आपके यहाँ से कार्रवाई? मैं उसमें नहीं बता सकता, मैं अपनी तरफ से जल्दबाजी करवाऊंगा। आपका कोई पेमेंट वगैरह तो बताया नहीं मरीज का? कोई वो नहीं, कोई मरीज का पेमेंट वगैरह? मेडिकल लीगल केस है, बॉडी आपको, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। कोई पेमेंट वगैरह तो हमारी तरफ से कुछ नहीं बचा है, हमारी तरफ से सारा काम ओके हो चुका है, कल शाम को पेमेंट भी आपकी सारी हमारी तरफ से सारा काम हो चुका है सर। ठीक है, कोई ऐसा काम पेंडिंग नहीं है। ठीक है, भेजिए, किसको भेज रहे हैं बात? ये कहना है कि ये स्मार्ट कार्ड भी दिखाया, माना नहीं है। यहाँ पे इतने की लाश है, अपना दे रहा है ना, कुछ भी मेरे को कोई बॉडी नहीं, कोई काम नहीं करेगा, कोई नहीं दे रहा, कोई ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं दे रहा है, और जी नहीं पता हमारा का इंसान है कहाँ, पता ही नहीं रहा, अंदर जाने ही नहीं दे रहा। सात बजे का टाइम था, सात बजे का टाइम था, जब से कोई पड़ोसी नहीं किसी की, पुलिस वगैरह आई थी ना? पुलिस नहीं आई, पुलिस का इंतजार कर रहा है, फोन करते करते थक गए, कोई नहीं आया है, ना कोई पुलिस नहीं आया, कभी पुलिस नहीं, ना यहाँ अस्पताल से कोई आया है। लापरवाही किसकी है? अब क्या पता डॉक्टर की कि पुलिस की है, हम तो पूरा सब जतन करके हार गए, सबको फोन करके हार गए, जिससे अपने ताल्लुक थे सबसे, कोई कह रहा कुदवा ले जाओ। कोई कुत्तों का कम देखने को तो मिले, देखने तक तो देना रहा, कहाँ कहाँ डाल दे, कहाँ ना डाल दे। रात भी मैं 2 बार गई थी लेकिन कुछ नहीं दी उन्होंने अंदर, बोले ऐसे धुना दिखाएंगे बार बार मरीज को, वो तो हमने आईसीयू में रख दिया है। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।